खुद से एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट स्कीम शेयर करी है कि सिर्फ 1.5 लाख इन्वेस्ट करो और हर महीने 5,000 इनकम स्टार्ट हो जाएगी एंड दैट टू फॉर 10 ईयर्स स्ट्रेट. हाउ इज दिस पॉसिबल? है हर साल, मतलब लगभग हर साल 60,000 और 2.5 ईयर्स में सारे पैसे वापस और उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट. हाँ यार, एग्जैक्टली. और मुझे पर्सनली इसमें बहुत कुछ अजीब लग रहा है. नमस्ते एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है. आज मैं आपसे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक कॉमन इन्वेस्टमेंट स्कीम जो क्लाउड कंप्यूटिंग रेंटल इन्वेस्टमेंट के नाम से फेमस है. बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप एक कंपनी को पैसे देते हो जो आपके बिहाफ पे वेब सर्वर या कंप्यूटिंग या डेटा सेंटर इक्विपमेंट खरीदती है, फिर वो कंपनी उस इक्विपमेंट को मंथली रेंट पे आगे देती है वेब होस्टिंग टाइप कंपनीज को, और इस प्रोसेस में जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज आपको यानी इन्वेस्टर को रेंट की फॉर्म में दिया जाता है. मेरा एक फ्रेंड रिसेंटली ऐसी ही एक कंपनी की डिटेल्स मेरे पास लेकर आया जिसका नाम है व्यू नाउ. अब आप प्लीज ध्यान रखिए कि मैं किसी भी टाइम ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी स्कैम है, फ्रॉड है या एक MLM कंपनी है, बट एज एन इन्वेस्टर मैं बस आपसे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं कि क्यों मैं ऐसी कंपनीज या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से दूर रहता हूं. फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्यू नाउ एग्जैक्टली ऑफर क्या कर रहा है. तो व्यू नाउ का कहना है कि अगर आप उनके 4 क्लाउड पार्टिकल्स में इन्वेस्ट करोगे लगभग 1.5 लाख रुपए, तो आपको हर महीने 10 सालों तक 5,100 रुपीस मिलते रहेंगे. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपको एनुअली 40% रेंटल यील्ड दे रहे हैं. इंडिया में जो बेस्ट से बेस्ट लोकेशन की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं वो भी 4-7% रेंटल यील्ड पे करती हैं. तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा इस स्कीम से. अब मेरा कहना ये है कि अगर एज अ कंपनी आप अपने बिजनेस मॉडल से इतने ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो तो आप सर्वर खरीद ही क्यों नहीं लेते, या फिर बैंक से लोन ले लो. बैंक से बिजनेस लोन आपको आराम से 12-14% पे मिल जाएगा एंड 2.5 साल में आप वैसे ही अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेते हो. तो क्यों फालतू में लोगों को 40% रिटर्न्स देना एक सर्वर के लिए? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही एंड यही मेरे लिए इस स्कीम में ना इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है. यहाँ पे कुछ और रेड फ्लैग्स हैं. US में कुछ टाइम पहले एक मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग रेंटल स्कैम अनफोल्ड हुआ था जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वो स्कैम भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम था जिसे पोंजी स्कीम भी कहा जा सकता है. एक और रेड फ्लैग ये है कि व्यू नाउ की पेरेंट कंपनी व्यू नाउ इंफ्रा टेक लिमिटेड जो BSE पे भी लिस्टेड है, उसका कोई डेटा ढंग से अवेलेबल नहीं है एंड ना ही ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ना कोई वॉल्यूम है एंड सो ऑन. और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये कंपनी फ्लैग्ड है और इसकी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये GSM Stage 4 लिस्ट का पार्ट है. इसका मतलब ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर है एंड ये लिस्ट उन कंपनीज के लिए SEBI ने बनाया है जो इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस या रिस्की होती हैं. ये आप खुद अपने किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो. और तीसरा रीज़न ये है कि ये कह रहे हैं कि ये यूज़ करते हैं एक वेबसाइट primecloudnet.com थर्ड पार्टी रेंटल्स के लिए. अगर आप ये वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो आपको एक SSL एरर मिलेगा. एक प्रोफेशनल बिजनेस के लिए ये कोई अच्छी या सेंसिबल बात बिल्कुल नहीं है. तो इन सभी रीजंस की वजह से फिलहाल मैं इस इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर रहूँगा. क्या ये कोई MLM स्कीम है या फ्रॉड है मुझे नहीं पता, बट एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह मैं ऐसा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूं. अगर आपको लगता है कि ये रिस्क आपके लिए ठीक है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके जरूर इन्वेस्ट करो. आफ्टर ऑल आप अपने पैसों के साथ क्या करना चाहते हो इस पे आपका पूरा पूरा हक होना चाहिए. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा. जय हिंद.